हेलो मित्रों, जय माता दी। मित्रों, आज 21 नवंबर गुरुवार का दिन है। ऐसे में तुला राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन? व्यापार, करियर, उनसे जुड़े बहुत सारे ऐसे पहलुओं के बारे में आपको बताएंगे जो कि आपके आने वाले दिनों को बेहतर बनाने में काफी लाभकारी सिद्ध होंगे। मित्रों, आज आप कौन से क्षेत्र में कार्य करें जिससे कि आपको ज्यादा सफलता, आपके मान सम्मान, स्कीर्ति में वृद्धि हो सके, साथ ही साथ आप अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सकें, इसके लिए क्या करें क्या ना करें, आज आपको कौन सी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, आपके जीवन में चल रही समस्याओं को कैसे आप दूर कर सकते हो, व्यापार का विस्तार कब तक हो सकता है, आइए जानते हैं इन सभी के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। मित्रों, तुला राशि वाले जातकों को आज बताना चाहेंगे कि कुबेर देव की कृपा से आपको व्यापार में बड़ा धन लाभ होगा। इस समय नौकरी से जुड़ी सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। कुछ अलग और नया करने का प्रेम आपके लिए अच्छा साबित होने वाला है। खुशियों के स्तर में लगातार बढ़ोतरी होती आपको देखने को मिल सकती है। परेशानियों का स्तर खत्म होने वाला है। व्यापार में बड़ा धन लाभ हो सकता है जो आपकी वित्तीय स्थिति को काफी मजबूत करेगा। आपका मन अति प्रसन्न रहेगा। आपके जरूरी कार्य बेहतरीन समय पर खत्म हो सकते हैं। जीवन साथी की तरफ से आपको बेहतरीन सहयोग आपको हासिल होने वाला है। रोजगार के अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। आर्थिक योजनाएं सफल साबित होंगी। नौकरी पेशा लोगों को वेतन में वृद्धि की बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। इस समय आपके अधूरे कार्य संपन्न होंगे। भाग्य का प्रबल साथ प्राप्त होगा। वाहन सुख भी मिलेगा जिससे आपके घर में खुशी का माहौल बना रहेगा। जमीन जायदाद से लाभ मिल सकता है। पुराना अटका हुआ धन आपको वापस मिलने के योग है। नौकरी व्यवसाय में आपको सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा। पारिवारिक मसले पर आपको अचानक यात्रा करनी पड़ सकती है। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि आज जो है अपने हालात का सही जायजा लेंगे तो बहुत सारी अच्छाइयों को समझने में मदद मिलेगी जो इस समय आपके लिए बनी हुई है। यथा स्थिति बनाए रखने से आपको बहुत अच्छा तक संभाला जा सकता है। जब भी हालात मदद करने पर आए तो परेशानियां वैसे ही थम जाती हैं। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि नौकरी धंधे में दिन आपका बेहतर रहने वाला है। बेहतर पदोन्नति को आपको प्राप्ति होने वाली है। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत रहेगा। पारिवारिक समस्याओं को समझने का प्रयास करेंगे। पारिवारिक जीवन में खुशियां आपके बेहतर बन रही है। नया मकान खरीदने के सोच विचार कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन काफी अनुचित रहने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बेहतर करने का प्रदर्शन कर सकते हैं। संभावना बेहतर बनी रह सकती। जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। व्यापारिक जीवन में कुछ नया करने का प्रयत्न कर सकते हैं। सफलतापूर्वक आपके हर कार्य खत्म होते दिख रहे हैं। मित्रों, आज तुला राशि वाले जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका भाग्य पूरा पूरा साथ दे रहा है जिसकी मदद से आप आज हर क्षेत्र में कामयाबी हासिल करेंगे। आपको हर क्षेत्र में तरक्की मिलेगी। जिस भी काम को आज अपने हाथों में लोगे वो समय से पहले पूर्ण हो जाएगा और इससे आप कहीं बाहर घूमने भी जा सकते हैं। मित्रों, यात्रा आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगी। खास तौर पर अगर आप व्यवसाय के सिलसिले में बाहर की यात्रा करते हैं, लंबी दूरी की यात्रा करते हैं तो आज का दिन काफी अनुकूल रहेगा। यात्रा से ज्यादा लाभ होगा। मित्रों, आज विद्यार्थियों के लिए काफी अनुकूल दिन रहने वाला है। उन्हें अपने जीवन में काफी बेहतर प्रदर्शन देखने को मिल सकते हैं। आज कहीं मंच परफॉर्मेंस भी आप कर सकते हैं। आपकी प्रशंसा हर जगह होने वाली है। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि इसके साथ साथ कुछ परिस्थितियां ऐसी भी आपके जीवन में आने वाली हैं जिनसे कि आप थोड़े से व्याकुल, परेशान और हताश हो सकते हैं। सावधान रहें। आप जितना अग्रसर आज अपने व्यापार को लेकर हैं उस हद तक आपको परिणाम ना मिलने से आप थोड़े से चिंतित हो सकते हैं। धैर्य बनाए रखें। सारा समय एक जैसा नहीं होता, इसलिए व्यापार में उतार चढ़ाव लग रहा है, लेकिन आप सावधान रहें। अपने ग्राहकों से अपना व्यवहार को उचित बनाए रखें। जितना हो सके प्रेम भाव वाले व्यक्तित्व को उभार कर लोगों के सामने आप रखें जिनसे कि लोग आपसे प्रभावित हो सकें, आपसे जुड़ना चाहें, आपके व्यापार में ज़्यादा से ज़्यादा आप व्यापार का विस्तार कर सकें। अपने लोगों के साथ मधुर बोलें। आज वाणी पर नियंत्रित रखें।
जितना हो सके आप क्रोध को नियंत्रित करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बनी बनाई बात भी आपकी बिगड़ सकती है। मित्रों, आज आपके लिए काफ़ी अच्छी खुशखबरी मिलने वाली है और कुछ तनावपूर्ण स्थितियां भी रह सकता है। आज बॉस के साथ अनबन भी हो सकती है या फिर कार्य क्षेत्र में किसी अजनबी इंसान से आपकी बहसबाजी हो सकती है। आपका दिन बेहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। जय माँ विंध्यवासिनी।